जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, वेटिंग टिकट पर यात्रा करना सबसे ज़्यादा हेडेक वाला काम होता है। कोविड काल में अगर देखा जाए तो रेलवे ने वेटिंग टिकट पर यात्रा बंद करके रखी थी, लेकिन इस समय बहुत से लोग वेटिंग टिकट पर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन आपके पास भी वेटिंग वाला वैलिड टिकट होना चाहिए। अगर आप इनवैलिड टिकट या फिर विदाउट टिकट ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। जब जुर्माना देने की बात आती है तो बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि शायद उनसे ज़्यादा पैसा ले लिया गया है या फिर उनको बेवकूफ़ बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, नियमों के बारे में ना जानने के कारण लोगों के मन में ये सब सवाल आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर आप वेटिंग टिकट पर यात्रा कर रहे हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना होगा, और अगर आप विदाउट टिकट या फिर इनवैलिड टिकट पर यात्रा कर रहे हैं तब आपको कितना जुर्माना देना पड़ेगा और किन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। इस वीडियो में नियमों के बारे में बताया जाएगा ताकि आपसे ज़्यादा जुर्माना ना वसूला जाए। फिलहाल दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, काउंटर वाला, यानी कि रिजर्वेशन काउंटर वाला, अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप यात्रा कर सकते हैं, आपसे फाइन वसूला नहीं जाएगा। लेकिन आपके पास वैलिड टिकट होना चाहिए। और जिन रेल यात्रियों के पास इनवैलिड वेटिंग टिकट होता है, जैसे कि जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक किया था, चार्ट बन गया और टिकट वेटिंग में ही रह गया और वो टिकट लेकर यात्रा करने आप पहुंच गए, तब आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के तौर पर आपको दुगना पैसा भी देना पड़ सकता है। जितना आपका किराया होगा उसका जस्ट डबल आपको देना पड़ेगा। अगर किराया 700 है तो आपको जुर्माना मिलाकर 1400 रुपये टीटी को देने पड़ेंगे। वो आपको एक रसीद बनाकर देंगे, आप उसी रसीद के दम पर यात्रा कर पाएंगे। और अगर आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं तभी भी यही नियम लागू होगा, लेकिन टीटी को ये पता होना चाहिए कि आप कहां से ट्रेन में चढ़े थे। उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए जिस भी स्टेशन से आप ट्रेन में चढ़े हैं। इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो आपको टीटी परेशान नहीं करेंगे, या फिर जो टिकट चेकिंग स्टाफ होता है हर स्टेशन पर वो आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपके पास वैलिड टिकट नहीं है और आप बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं तब आपको जुर्माना देना पड़ेगा। वेटिंग टिकट पर आप यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल बहुत से लोग वेटिंग टिकट पर यात्रा कर रहे हैं। अगर आपने हाल ही में किसी वेटिंग टिकट पर यात्रा किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट के माध्यम से बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और अगर आपका टिकट वेटिंग में है और आप कन्फ्यूज हो कि आपका टिकट कन्फर्म होगा कि नहीं होगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन डिटेल पूरी दीजिएगा। जैसे कि आपकी ट्रेन कौन सी है, ट्रेन का नंबर बताइएगा, किस क्लास में यानी कि स्लीपर, एसी या किस में आप यात्रा करने जा रहे हैं, किस दिन आपको जाना है और कहां से कहां तक आप यात्रा कर रहे हैं। अगर आप इतनी डिटेल देंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अगर इसमें से कोई भी डिटेल मिसिंग होगी तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, और PNR शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर सारी डिटेल बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।